वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो दिल थाम के बैठे क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बेस्ट सीरम फॉर ऑयली स्किन। तो आज के वीडियो में गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम एंड गुड वाइब्स का ट्रीटी पपाया सीरम के ऊपर हॉनेस्ट रिव्यू प्लस डेमो शेयर करूंगी एंड इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छी है एंड कौन सी ऑयली स्किन के लिए बेस्ट रहेगी, साथ ही साथ कौन सा स्किन के लिए कौन सा सीरम बेस्ट रहेगी एंड इसका टेक्सचर के बारे में, इसका प्राइस के बारे में एंड इसका क्वांटिटी एंड इसके साइड इफेक्ट के बारे में फुल डिटेल्स में बात करूंगी गाइस। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस, ताकि कोई भी जानकारी आपको मिस ना हो जाए। तो चलो डोंट वेस्ट मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फटाफट से मैं एक एक करके दोनों का ही एक रिव्यू कर ली, तो फिर इसका डेमो भी देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, गुड वाइब्स का हर एक प्रोडक्ट ना इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आते हैं एंड सब प्रोडक्ट ना पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, प्योरिटी फ्री, DIY भी फ्री होते हैं एंड ना ए मिनरल ऑयल फ्री, सल्फेट भी फ्री होते हैं एंड डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। तो चलिए, सो गाइस आप देख सकते हो ये है गुड वाइब्स की रोज हिप रेडियंट ग्लो सीरम। तो कुछ इस तरह की एक ब्लूइश कलर में कांच की बोतल में बोला प्रोडक्ट रिसीव होते हैं। 30 ml का प्रोडक्ट है एंड इसमें है गुड वाइब्स रोज हिप गाइस एंड बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए फटाफट से मैं इसका स्वाच सबको दिखा लेती हूँ गाइस। तो देखिए इस, सो गाइस आप देख सकते हो इसका टेक्सचर ना एकदम ऑयल बेस्ड टेक्सचर है, एकदम ऑयली सा, लेकिन ना एकदम लगाने के बाद ना बहुत ज़्यादा क्रीम फील होते हैं, एकदम ग्लॉसी ग्लॉसी टाइप्स का दिखते हैं एंड लगाने के बाद ना स्किन पे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाती है एंड देखो कितना ज़्यादा शाइनी प्रोवाइड करती है एंड स्किन के ऊपर जितने भी डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन हो, एक्नी प्रॉब्लम हो, सबको क्योर करने में भी हेल्प करती है। एंड यार आप देख सकते हो ये है ट्री पपाया फेस सीरम, है ना, ऑयल कंट्रोल सीरम है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, मिनरल ऑयल भी फ्री है एंड गाइस एंड आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है इसका, कांच की बोतल में बोला प्रोडक्ट रिसीव होते हैं एंड इस तरह का एक ढक्कन है जो कि बहुत ही स्मूथली खुल जाते हैं एंड इसका जो टेक्सचर है ना, सो गाइस आप देख सकते हो इसका टेक्सचर ना ये एकदम वाटर बेस्ड टेक्सचर है, वाटर एंड जेल बेस्ड टेक्सचर है, ना तो एकदम से गाढ़ा टाइप्स का जेल नहीं है, मैं थोड़ी सी वाटर ही कहूँगी, लगती है कि मैं फेस के ऊपर कोई पानी पानी सा लगा कर आई हूँ। तो आप देख सकते हो, सो गाइस आपने इसका टेक्सचर तो देख ही लिया है। तो गुड वाइब्स का जो रोज हिप है ना गाइस, रोज हिप क्या करती है, जो हमारी स्किन के ऊपर जो पोर्स होते हैं ना, पोर्स के अंदर तक जाके पोर्स को मिनिमाइज कर देती है, एक इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करती है एंड ये जो सीरम है ना ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, लेकिन जिनका ड्राई स्किन है ना गाइस, जस्ट गो फॉर इट, ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है एंड इसका प्राइस है 199 rupees। एंड जब पर्पल में सेल चलती है ना तो गुड वाइब्स के ऊपर बहुत सारे फ्री मिलते हैं, बाय वन गेट वन प्रोडक्ट भी फ्री मिलते हैं गाइस। सो गाइस जब पर्पल के ऊपर ऑफर चलते हैं ना गाइस, तब आपको ना बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो गुड वाइब्स का प्रोडक्ट कुछ इस तरह के कांच के बोतल में आते हैं जो कि सुपर डुपर क्यूट सा है एंड इसमें ना भरपूर मात्रा में रोज हिप है, जो रोज हिप एंड इसका सेल्फ लाइफ है 2 साल तक, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ही कमल का है एंड इसका टेक्सचर ना एकदम ऑयली बेस्ड टेक्सचर है। तो चलिए इस साइड में मैं इसका थोड़ी सी स्वाचेस करके दिखाती हूँ गाइस। तो आप देख सकते हो बस आपको 3 से 4 drops से लेना होता है। तो मेरा ना अब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, तो आप देख सकते हो मैं हाथों से ऐसे लगाती हूँ एंड इसका टेक्सचर एकदम ऑयली है, एकदम ऑयली एंड स्किन पे ना एक अलग सा ग्लोई सा नज़र देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्लोरियस टाइप्स का लगती है एंड ये जो सीरम है ना गाइस, बस आपको 5 to 6 drops लेना होता है फुल फेस के ऊपर एंड ओवरनाइट आपको इसे रखना पड़ता है एंड जब भी आप बाहर जाते हो या फिर हमेशा आप सीरम लगा सकते हो इससे। रोज हिप गुड वाइब्स के रोज हिप सीरम ना स्किन के ऊपर जितने भी डार्क स्पॉट हो, चाहे पिगमेंटेशन हो, चाहे ब्लैमिशेस हो, सबको क्योर कर देती है एंड एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ग्लोरियस एंड मुलायम सी स्किन पाने में हेल्प करती है एंड गुड वाइब्स का ना हर एक प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड रोज हिप का तो कमल का है एंड इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड क्वांटिटी तो 50 ml का है एंड आप देख सकते हो बहुत दिनों तक चलने वाली है एंड आप इस साइड में इसका देख सकते हो इसका टेक्सचर जो कि कितना ज़्यादा शाइनी लगती है एंड आप देख सकते हो मेरे फेस के ऊपर कोई भी पिंपल हो या फिर डार्क स्पॉट कुछ भी नहीं है, कितना ज़्यादा साफ सुंदर से मेरा स्किन है एंड लगाने के बाद ना, तो इस सीरम को आप 7 days तक लगातार इस्तेमाल करो, फिर देखना स्किन इतना ज़्यादा ग्लोरियस बन जाएगी ना, आप आके मुझे थैंक्स कहोगे। सो गाइस अब मैं बात कर लेती हूँ पपाया ट्री
फेस सीरम के ऊपर, तो ये भी पैराबेन फ्री सल्फेट फ्री है। एंड कुछ इस तरह की सुपर डुपर क्यूट सी कांच की बोतल में प्रोडक्ट रिसीव होते हैं। एंड इसका जो ये पंप सिस्टम है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा दबती नहीं, बस थोड़ी इतनी ऊपरी तक ये दबती है, लेकिन इसका जो टेक्सचर है ना बहुत ज़्यादा जेल बेस्ड एंड वाटर बेस्ड मुझे लगती है। एंड एकदम लगती है कि मैंने फेस के ऊपर कोई पानी लगा कर आई हूँ। एंड आप देख सकते हो एकदम पानी पानी सा फील होते हैं। एंड इसका टेक्सचर थोड़ी सी गाढ़ा टाइप्स का है। एंड इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट। तो गाइस ये जो सीरम है ना, इसके अंदर है टी ट्री। एंड टी ट्री अगर आपके स्किन के ऊपर कोई भी एक्टिव एक्ने है तो जस्ट गो फॉर इट गाइस। एक्टिव एक्ने को बहुत अच्छी तरीके से क्योर कर देती है, डीप मॉइस्चराइज भी करती है स्किन को, एंड साथ ही साथ स्किन के ऊपर जो कालापन आते हैं ना, दाग धब्बे होते हैं, उससे भी क्योर करने में हेल्प करती है। एंड इसे बहुत बॉयज एंड गर्ल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आई शो यू क्लोजली, आप देख सकते हो इस टाइप पे लग रही है ना, मैं पानी लगा कर आई हूँ। एंड इस टाइम में थोड़ी सी ऑयली टाइप्स का, तो इस दोनों का रिजल्ट ऐसे ही है। तो आप देख सकते हो एंड प्राइस के अकॉर्डिंग दोनों का प्राइस सेम है। एंड आपको पर्पल में दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो सो गाइस, इस दोनों प्रोडक्ट को ऑल स्किन टाइप ही यूज़ कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप से यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है एंड इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल भी नहीं है इसके अंदर। एंड ये ना बहुत अच्छे से स्किन को फेयर एंड लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग करने में हेल्प करती है। एंड गुड वाइब्स का हर एक प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगती है। तो आज के वीडियो में मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपका स्किन एक्ने प्रोन स्किन हो या फिर सेंसिटिव स्किन हो तो जस्ट गो फॉर इट पपाया सीरम के ऊपर। तो इसमें है टी ट्री एंड पपाया। आप लोगों को पता है टी ट्री की एक्टिव एक्ने को क्योर करती है एंड पपाया स्किन को ब्राइटनिंग करने में हेल्प करती है। तो एक्ने प्रोन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन एंड नॉर्मल स्किन के लिए ए वाला सीरम बेस्ट रहेगी। एंड अगर आपका स्किन ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, एंड ड्राइनेस के कारण स्किन फट जाते हैं एंड स्किन के ऊपर अगर दाग धब्बे आ जाते हैं तो जस्ट गो फॉर इट रोज़हिप। तो मैं इस वीडियो में यही चीज़ कहना चाहती थी कि दोनों सीरम ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप ध्यान से यूज़ कर लेना। सो गाइस, सीरम आप कब और कैसे यूज़ करना है, तो आपको 3 to 5 ड्रॉप लेना होता है एंड फेस वॉश करने के बाद ही सीरम यूज़ करना। तो इसे दिन में 2 बार आप यूज़ कर सकते हो, सुबह मॉर्निंग स्किन केयर करने के टाइम एंड नाइट में नाइट केयर स्किन केयर करने के टाइम। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप रात को सोने से पहले सीरम यूज़ करने के बाद ओवरनाइट स्किन के ऊपर रखोगे ना गाइस, सुबह उठ के आपको एक अलग सी ग्लो निखार देखने को मिलेगी। तो यही था मेरा आज का टिप्स। तो गाइस, ये था मेरा आज का छोटा मोटा सा रिव्यू। आई होप इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना मत भूलना गाइस, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चले। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यू स्टे फिट एंड ब्यूटीफुल। बाय।